दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की स्क्वाड काफ़ी मजबूत है, ये बात आप सभी जानते हो। और रिसेंटली हेड कोच के आने के बाद यहाँ पर और काफ़ी कुछ बदलने वाला है टीम केकेआर के लिए। बैटिंग में तो आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों कि बैटिंग में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस टीम केकेआर दे देगी। सुनील नारायण आंद्रसल दोनों बैटिंग फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी काफ़ी सही चल रहा है। रिसेंटली जो यहाँ पर रिंकू सिंह थे वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे। पर दोस्तों बॉलिंग का क्या, आज मैं आपको कुछ ऑप्शन भी बताने वाला हूँ जिनको टीम केकेआर टारगेट करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा टीम के पास बॉलिंग अटैक कितना शानदार है, बहुत ही शानदार बॉलिंग अटैक है, उतनी शानदार वीडियो है। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लो। दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया की सबसे ट्रस्टेड बुक बालाजी के बारे में, जो कि साल 2014 से मार्केट को रूल कर रहा है। 24/7 का आपको विड्रॉल और डिपॉजिट की सर्विस यहां मिलेगी। अगर आपको कोई भी इशू इसमें आता है तो आप कस्टमर सर्विस से भी 24/7 बात कर सकते हो। अगर आप घर बैठे एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत सारे पैसे आसानी से कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इनकी डिटेल्स दी गई है, जल्दी से जाकर आईडी ले लो बालाजी बुक पे। सो दोस्तों आप सभी को बता दें टीम केकेआर हमेशा यहां पर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर ऊपर नीचे हो जाती है। तो टीम केकेआर अभी एक डिपार्टमेंट में अगर खासकर बॉलिंग की बात करें तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऑलमोस्ट हर एक टीम आईपीएल में ऐसी है जिसके पास एक लेफ्ट हैंडेड या तो स्पिनर बॉलर है या फिर दोस्तों बात करें तो एक पेस बॉलर है, बट टीम केकेआर इसमें लैक कर जाती है। बट दोस्तों यही चीज़ हेड कोच ने भी कही थी और अब हेड कोच करें या फिर बात बॉलिंग कोच भरत अरुण पर डालें, एक लेफ्टी तो आने वाला है। अब शाकिब अल हसन आते नहीं आते हैं ये बात की बात है, बट और भी कई ऑप्शंस हैं तो मैं आपको वो ऑप्शंस भी बता देता हूँ लेफ्ट हैंडेड इसके अलावा क्या क्या बॉलिंग अटैक टीम केकेआर के पास है, फिर हम इसमें प्लेइंग 11 में क्या क्या होता है वो भी बात कर लेंगे और जो नए बॉलर्स हैं उन पर भी बात कर लेंगे। इन प्लेयर्स इन बॉलिंग अटैक का नाम है सैम करन, अकील हुसैन, उमेश यादव, पैट कमिंस, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, राशिक सलाम। इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे गेंदबाज जो पार्ट टाइम हो सकते हैं वो भी आ सकते हैं। आंद्रसल को भी आप भूल नहीं सकते हो, पर दोस्तों आंद्रसल की अगर बात करें तो वो पार्ट टाइम उनको आप काउंट कर लो। सैम करन, अकील हुसैन लेफ्टी है, ऑक्शन में आएंगे उनको जरूर लेना चाहिए। उमेश यादव, पैट कमिंस, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती काफी धमाकेदार हैं। राशिक सलाम भी खेलते उनको चोट लग गई थी बट इस बार वो खेलेंगे। वेंकटेश अय्यर ने पहले ही बता दिया कि वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं तो इस बार आपको चेंज मिलने वाले हैं। वो आप कमेंट के जरूर बताओ इनमें से प्लेइंग 11 में आपके लिए बेस्ट बॉलिंग अटैक कौन सा होगा टीम केकेआर का। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो।